नमस्कार, आप देख रहे हैं UB24 न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र की, जहां जरिया थाने के खेड़ा शिलाजीत गांव में देवी पंडाल में पहुंचे दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। आरोप है कि दबंगों ने असलहों से फायर भी किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए राठ CHC में भर्ती कराया। आपको बता दें, खेड़ा शिलाजीत गांव निवासी दिलीप कुमार ने बताया कि मोहल्ले में देवी प्रतिमा स्थापित है, उसमें उनके भाई सुरेश पंडा बने हैं। सोमवार रात करीब 10 बजे गांव निवासी भगत सिंह 6 लोगों के साथ देवी पंडाल में पहुंचा। आरोप है कि दबंग ने सुरेश पर कुल्हाड़ी व फरसों से हमला बोल दिया। मारपीट करने के साथ ही अवैध असलहों से दो फायर किए। दिलीप ने बताया, फायरिंग में भाई सुरेश के सिर में छर्रे लगने से वो घायल हो गए। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। कमेटी के लोगों द्वारा ललकारने पर मारपीट करने वाले भाग गए। बताया कि आरोपी गुजरात का हिस्ट्री शीटर है, जिसका पिछले दशहरे पर चाचा छत्रपाल से विवाद हो गया था। शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था, इससे वो इन लोगों से रंजिश मानता है। दुर्गा पंडाल कमेटी के लोगों ने घायल को राठ CHC में भर्ती कराया। जरिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने बताया, गोली नहीं चली है, युवक को लाठी डंडों से पीटा गया, इसमें उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हमीरपुर से UB24 न्यूज के लिए सुनील राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ के निवासी और क्या घटना हुई है? खेड़ा शिलाजीत की निवासी है, वहाँ पे देवी रखी हुई थी, तो मतलब इनका एक साल पहले झगड़ा हो गया था। उसके पहले इस बार आए वो, ना किसी से कोई बातचीत हुई, डायरेक्ट वो मतलब सुरेश कुमार सनो जगत सिंह को ऐसे ही मारने लगे। उसको मतलब सर में भी मतलब उन्होंने फैर भी मारे दो चार, और उसके बाद ये बात मतलब दो तीन लोग थे इनके साथ में जो भाग निकले। ठीक, तो क्या फायरिंग में कोई हताहत हुआ है? हुआ ना, सुरेश को मतलब फेर भी लगाया सर में, तो इस टांके भी लगे हुए। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने में दी? थाने है, थाने में दी हुई थी, तो थाने में किसी ने सुना भी नहीं हमारे, और हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे राठ CHC में चले आए। क्या चाहते हैं आप लोग? तो सर, हमें न्याय चाहिए। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UP24 न्यूज। नमस्कार।